तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे टाटा स्टील और टाटा इलेक्सी के बारे में। दोनों कंपनी की बात करें तो दोनों कंपनी के बीच में कॉमन चीज़ है कि आज दोनों कंपनी के डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट है। देखा जाए तो टाटा स्टील 3.60 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड दे रही है और टाटा इलेक्सी की बात करें तो वहाँ पर भी कंपनी के द्वारा 60.60 रुपये के हिसाब से डिविडेंड का ऐलान किया गया है। तो दोनों का रिकॉर्ड डेट है। अगर आपने आज से पहले बाय किया है तो आपको डिविडेंड का फायदा मिलेगा। अगर आप आज बाय करते हैं जो कि 22 तारीख है, 22 तारीख रिकॉर्ड डेट कंपनी के द्वारा रखा गया है, तो 22 तारीख से पहले अगर आपने बाय किया है तो आपको डिविडेंड का फायदा मिलेगा। अगर 22 तारीख के बाद या 22 तारीख को आप बाय करते हैं तो आपका डिविडेंड का फायदा नहीं मिलेगा। चलिए, लोगों के क्वेश्चन है कि जो डिविडेंड के पेमेंट कब होंगे ये मुझे बताएं। तो देखिए, डिविडेंड का जो पेमेंट होने वाला है टाटा स्टील की तरफ से, एक चीज यहाँ पर मेंशन किया गया है कि टाटा स्टील का AGM होने जा रहा है, यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग जो होता है वो 5 जुलाई को होने जा रहा है। अब 5 जुलाई को एनुअल जनरल मीटिंग में कंपनी अप्रूव कर देगी डिविडेंड को। डिविडेंड जैसे ही अप्रूव होगा तो फिर डिविडेंड के जो पैसे हैं वो आपको 10 जुलाई 2023 से क्रेडिट होने शुरू हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, 10 जुलाई 2023 से आपके अकाउंट में डिविडेंड के जो पैसे हैं वो आने शुरू हो जाएंगे। किसी को एक दिन में आएगा, किसी को 2-3 दिन बाद आएगा, जैसा ब्रोकर का सेटलमेंट होता है उस हिसाब से आपको ऊपर नीचे डेट हो सकता है। लेकिन याद रखिए, 10 जुलाई से लोगों के डिविडेंड के जो पैसे हैं वो बैंक अकाउंट में आने शुरू हो जाएंगे टाटा स्टील के मैटर में। चलिए बात करते हैं टाटा इलेक्सी की बात करते हैं। तो टाटा इलेक्सी की बात करें तो वहां भी कंपनी 60 रुपये 60 पैसे का डिविडेंड दे रही है। यहां पर भी सेम कंडीशन है, कंपनी के द्वारा यही बताया गया है कि 60 रुपये 60 पैसे का जो डिविडेंड कंपनी दे रही है वो अप्रूव किया जाएगा 34th एनुअल जनरल मीटिंग में, जो कि होने वाला है। यहाँ पे भी 4 तारीख को कंपनी के द्वारा रखा गया है, 4 जुलाई को कंपनी के द्वारा AGM रखा गया है। और जैसे ही AGM कंडक्ट हो जाएगा उसके अगले 7 दिन, यहाँ पे कंपनी ने यह भी मेंशन किया हुआ है कि जैसे ही AGM कंडक्ट हो जाएगा उसके अगले 7 दिन के बाद या 7 दिन से ही आपके अकाउंट में पैसे आने शुरू हो जाएंगे। 7 दिन देखा जाए तो 7 4 11, तो आप बोल सकते हैं कि 11 जुलाई से डिविडेंड के जो पैसे हैं वो आपके अकाउंट में आने शुरू हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, 10 जुलाई से टाटा स्टील के पैसे, डिविडेंड के पैसे आपके अकाउंट में शुरू हो जाएंगे और 11 जुलाई से टाटा इलेक्सी के जो डिविडेंड के पैसे हैं वो आपके अकाउंट में आने शुरू हो जाएंगे। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।